दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि टीवी सीरियल्स में कई सारी अभिनेत्रियां पहले तो मेन लीड रोल में अभिनय करती हुई दिखती हैं, फिर बाद में उसी सीरियल में बेटी का किरदार भी पर्दे पर उतारती हुई नजर आ जाती हैं और लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब ज़्यादा भर भर के एंटरटेनमेंट करती हैं। ये डबल रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं, जिसके चलते इन्हें किसी भी पहचान की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये तो बात थी इन अभिनेत्रियों के डबल रोल के बारे में। लेकिन 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 क्या आप ये जानते हैं कि डबल रोल निभाने वाली अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री के डबल रोल को लाखों दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया, किसे आज भी लाखों करोड़ों दर्शक उनके उस किरदार को बखूबी याद रखते हैं? नहीं जानते तो भाई डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी सीरियल्स में नजर आने वाली उन अभिनेत्रियों से मिलवाएंगे जिन्हें अपने एक ही सीरियल में माँ बेटी का किरदार निभाते हुए देखा होगा और आज ये अपने इसी किरदार की बदौलत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिल लेते हैं उन अभिनेत्रियों से जो अपने अपने सीरियल्स में माँ बेटी दोनों के किरदार को निभाती हुई आ चुकी है नजर। नंबर एक, मौनी रॉय। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री मौनी रॉय का नाम शुमार है, जो कि नागिन सीरियल में माँ और बेटी दोनों का ही किरदार निभाती हुई नजर आई थी। जी हाँ, इस सीरियल के फर्स्ट पार्ट में शिवन्या किरदार निभाती हुई नजर आई थी और अपने इस किरदार से लाखों दर्शकों का खूब ज्यादा एंटरटेनमेंट भी किया था इन्होंने। और इसी सीरियल के सेकेंड पार्ट में बेटी शिवांगी का किरदार पर्दे पर उतारती नजर आई थी और अपने इन दोनों ही किरदारों से इन्होंने फैंस का और दर्शकों का खूब ज्यादा दिल भी जीता। नंबर दो, कनिका मान। इस लिस्ट की दूसरी कड़ी में अभिनेत्री कनिका मान का नाम शुमार है, जो कि गुटन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। इन्होंने सबसे पहले तो मेन लीड रोल में गुटन का किरदार अदा किया, जिसके बाद इन्होंने आकाश एजे जिंदल से शादी की और इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम छोटे गुड्डन रखा गया और इस छोटे गुड्डन का किरदार भी अभिनेत्री कनिका मान ने ही अदा किया था और अपने दोनों ही किरदारों से लाखों करोड़ों फैंस और दर्शकों के बीच में अपनी अलग ही पहचान हासिल की। नंबर तीन, टीना दत्ता। साल 2008 में आए सीरियल उत्तरण में भी अभिनेत्री टीना दत्ता ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इच्छा का किरदार निभाया था, जिसको इन्होंने बेहद ही बारीकी और खूबसूरती से पर्दे पर उतार कर लाखों दर्शकों को खूब ज्यादा एंटरटेन किया। वहीं अपनी बेटी मीठी का भी किरदार निभाती हुई नजर आई थी। इन्होंने अपने इन दोनों ही किरदारों को बड़ी ही बारीकी से उतारा था पर्दे पर, जिसके चलते दर्शक आज भी इनके इस किरदार को बखूबी याद रखते हैं। नंबर चार, अंकिता लोखंडे। अब बात कर ली जाए अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के बारे में, जो कि जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल रहा पवित्र रिश्ता में माँ और बेटी दोनों का ही किरदार निभाती हुई नजर आई थी। जी हाँ, ये सीरियल में मेन लीड रोल में यानी के माँ यानी के अर्चना का किरदार निभाती हुई दिखाई दी और उसके बाद इन्होंने अनिता कर्मकार यानी के अर्चना की बेटी का किरदार भी पर्दे पर उतारा था और अपने दोनों ही रोल से काफी ज्यादा मशहूर हुई। नंबर पाँच, निमृत कौर आहलूवालिया। इस लिस्ट के पांचवी कड़ी में अभिनेत्री निमृत कौर आहलूवालिया का नाम शुमार है, जो कि छोटी सरदारनी सीरियल में फिलहाल तो मेहर कौर गिल का किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही हैं और अभी इसी सीरियल में मेहर की बेटी सहर कौर गिल का भी किरदार यही निभाती नजर आ रही हैं और अपने इस किरदार से लाखों फैंस को खूब ज्यादा अपना दीवाना भी कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की माँ बेटी यानी कि दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आया था, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। लेकिन साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए और ऐसे ही टीवी इंडस्ट्री की अपडेट्स को रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।